मौसम विभाग की ओर से ये प्रेडिक्शन की गई है कि 30 जून तक प्रदेश भर में मौसम खराब रहेगा। केवल दो जिले ऐसे हैं, लाहौल स्पीति और किन्नौर, उनको छोड़कर जो 10 जिले हैं वहां पर बहुत सारे स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन यहां आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सुबह के समय क्या तस्वीरें हैं, अभी तो धूप खिली हुई है लेकिन यहां पर मौसम जो है पल पल में बदलता है। ये तस्वीरें यहां शिमला से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहां अभी बेहद खूबसूरत तस्वीरें निकल कर आ रही है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जिस तरह से यहां पर पल पल में मौसम बदलता है, तो इसी तरह की तस्वीरें हिमाचल के कई हिस्सों से निकल कर आ रही हैं। लेकिन मौसम जैसे ही खराब होता है तो स्थिति बेहद खराब हो जाती है। जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट है उसके अनुसार 24 जून से 26 जून के बीच 9 लोगों की जो है मृत्यु यहां पर हुई है और जो सरकारी संपत्ति है उसको खासा नुकसान पहुंचा है। और राज्य सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि अब तक इस 4 से 5 दिनों की बारिश के बीच जो है कई घरों को नुकसान पहुंचा है और कुछ घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 102 करोड़ के आसपास की संपत्ति का नुकसान हुआ है, जिसमें 73 करोड़ से ज्यादा अकेला जो नुकसान है वो जल शक्ति विभाग को हुआ है। तो बहुत सारी जगहों पर जो बिजली और पानी की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। और पिछले कल शाम तक की रिपोर्ट की बात करें तो पूरे प्रदेश में 1000 से ज्यादा जो पेयजल आपूर्ति की योजनाएं हैं वो प्रभावित हुई हैं। कई स्थानों पर हमने देखा कि पानी की भी समस्या हो गई है और यहां पर प्रशासन की तरफ से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से लोगों से अपील की गई है, यहां आने वाले सैलानियों से अपील की गई है कि नदी नालों के पास ना जाएं, क्योंकि अगर बारिश होती है पहाड़ों में तो नदी नालों के जलस्तर में एकदम से बढ़ोतरी हो जाती है और कई स्थानों पर भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। मौसम की जानकारी पहले प्राप्त कर लें, उसके बाद यात्रा अपनी शुरू करें। अनावश्यक तौर पर यात्रा करने से बचें।